नफीसा जी, ये हॉस्पिटल आपका है जी। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें जो उसने डाल रखी है उस भैया ने, उसमें बिल्कुल भी 1% सच्चाई नहीं है। उसकी डिलीवरी हुई थी 12/8/2022 और ये फेक न्यूज उसने अब डाली है। आपने जच्चा बच्चा केंद्र तो बहुत देखे होंगे जनाब, मगर आपको नफीसा जच्चा बच्चा केंद्र दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज मेवात के भादस गांव की ओर, जहां आपको रूबरू कराएंगे नफीसा जच्चा बच्चा केंद्र से। दोस्तों यह एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, यहां प्रेग्नेंट महिलाओं का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है और बेहतर तरीके से डिलीवरी भी होती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। मगर हाल ही में फेसबुक पर एक लड़के ने नफीसा हॉस्पिटल के विरुद्ध एक पोस्ट फेसबुक पर लिखी थी, जिस पोस्ट में एक लड़के ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। इस पोस्ट के बारे में हम आज फीमेल डॉक्टर नफीसा खान से जानकारी जुटाने पहुंचे हैं। आप इस वीडियो को कृपया पूरा अंत तक देखिएगा, आपकी पूरी सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। सुनिए क्या कहती है डॉक्टर नफीसा खान। जी, ये हॉस्पिटल आपका है जी। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें जो उसने डाल रखी है उस भैया ने, उसमें बिल्कुल भी 1% सच्चाई नहीं है। उसकी डिलीवरी हुई थी 12/8/2022 और ये फेक न्यूज उसने अब डाली है। 100% भी सच्चाई नहीं है। ये मेरी हॉस्पिटल को ब्लैकमेल और बदनाम करने के लिए डाली गई है। जो भी चीज़ डाली है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं, कहीं से कहीं तक भी। हॉस्पिटल है कितने दिन से चला रही है? इसको 1.5 साल हो गए। दूसरे मेरे पास कोई भी एक फेक डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं। जो उसने पोस्ट में डाल रखा कि डिग्री वगैरह लेके बैठे हैं छोटी मोटी, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप मेरे हॉस्पिटल के बारे में कभी भी कैसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरी फेक डिग्री नहीं है और ना ही मैं बगैर एक्सपीरियंस ले रहा। मैंने पहले JNM कर रखी थी, उसके पास पोस्ट ऑफिसर कर रखी है। बाकी डॉक्टर की डिग्री वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। और जो भी उसने डाली है वो सिर्फ बदनाम करने के डाली है, 1% भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों आपने देखा और सुना, नफीसा खान से बातचीत करने के बाद पता तो चल ही गया होगा कि नफीसा खान कितनी काबिल और संस्कारी बच्ची है, जो अपना खुद का हॉस्पिटल चला रही है। हमारी जांच पड़ताल से पता चला है जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार थे तथा बेबुनियाद है। यह लोगों का दस्तूर बन चुका है, यदि कोई हमारे इलाके की बेटी पढ़ लिख कर शिक्षित बन जाए और लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर की डिग्री लेकर आए या कोई और बेहतर काम करे, मगर छोटी छोटी बातों पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं और काबिल बच्चों का हौसला गिराते हैं। बिना वजह किसी अच्छे इंसान की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल ना किया जाए और अपने समाज की जो इस तरह की बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर शिक्षित बने और आज जनता की सेवा कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बात नफीसा की हो या किसी अन्य की, दोस्तों नफीसा खान एक बेहतरीन उच्च कोटि की फीमेल डॉक्टर हैं, जो भादस गांव के शिकरावा रोड पर अपना एक नफीसा जच्चा बच्चा केंद्र चलाती हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं की बेहतर तरीके से देखभाल करती हैं। आइए आप भी नफीसा हॉस्पिटल ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्षद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। तो बच्चे ने लेटरिंग कर रखी है पेट में और दूसरा प्लेसेंटा रप्चर हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर आप बोलो तो मैं डिलीवरी करूँ, अदरवाइज आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ये बात मैंने उसको आधा घंटा पहले भी बताई थी। उसने बोला कि आप इस चीज से हेडेक मत लो, आप मेरी लेडीज को बचा दो। और वो भाई यहीं पे था, उसने 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक से ये कार्रवाई की। उस टाइम बोलना चाहिए था ना, अगर मेरी 1% गलती उसे दिखाई दे रही थी तो। ये सिर्फ साजिश है और ब्लैकमेल करने के लिए, मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए की जा रही है। जो वो लड़का उस महिला को लेकर के यहाँ आया था हॉस्पिटल में जी, उससे पहले क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में गया था, डायरेक्ट आपके पास आया था? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, मालीखेड़ा भी गया था, पिनंगवा नजमा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी गया था, काफ़ी जगह गया था, तब यहाँ पे लेके आए थे उसे। उसके बाद यहाँ पर आए जी। क्या ये झूठ आरोप है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है और मेरी हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। जो भी साजिश है इनकी, उनका जो भी आरोप है वो बिल्कुल गलत है और झूठा है। यहाँ पे मेरा स्टाफ भी रहता, मैं अलोनी नहीं हूँ, यहाँ पे 4-5 स्टाफ भी है जो अच्छे से ट्रीटमेंट हम देते हैं और देखभाल भी करते हैं। एक ही डिलीवरी नहीं है, उम्रा की और भी बहुत सारी डिलीवरी है। जो बंदा आरोप लगा रहा है 1.5 महीने बाद उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। और जो भी पेशेंट है और भी है, अगर इसमें 1% सच्चाई होती तो मेरे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट नहीं आता। ये सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लगाया जा रहा है। जफरुद्दीन है जी, गाँव ककराला, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, राजस्थान से। इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट बढ़िया चलता है, हम अलवर से भी रेफर कर दिया जयपुर के लिए, जयपुर नहीं गए इसलिए हम यहाँ पे पारस्थी, इसकी बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। भाई एक बार यहाँ भी दिखा लो, यहाँ दिखा के नहीं फिर इन ये भी बोले सुबह होएगा बच्चा, अब वो बच्चा घूम ना रहा है कई दिन से। अच्छा। घूम ना रहा है तो उनने तो मना कर दी। अच्छा। फिर वहाँ से बाद में
पहले सरकारी वाले मना कर दी, मना कर दी, उसके बाद में आप आए थे। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।